अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काइंडली जो भी न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है मेथी कीमा, जिसके लिए हमने लिया है कीमा। और हमारे पास है मेथी जिसको मैंने कर लिया है कट। और मसालों में मेरे पास है सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टेबल स्पून चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला, टर्मेरिक पाउडर और अनियन है मेरे पास, और गार्लिक, ग्रीन चिली। अब हम इन सब को कट कर लेते हैं। मेथी को मैंने पहले ही कट कर लिया था। और हम अनियन को स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरह हम तमाम अनियन को कट कर लेंगे। और हमने ये सारी अनियन को कट कर लिया है। और मैंने गार्लिक को भी कट कर लिया है। ग्रीन चिली को भी कट कर लेते हैं। और मैंने ग्रीन चिली को भी कट कर लिया है। हमारे पास तमाम स्पाइसेस कट हो चुके हैं। और अब एक पैन में मैंने डाल लिया है कीमा। और अब इसमें मैं 2 ग्लास पानी डाल दूंगी। मैंने 2 ग्लास पानी के डाल दिया इसमें। और अब हम डाल देंगे अनियन जो कि हमने कट किया था, और गार्लिक। अनियन और गार्लिक को डालने के बाद अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस डाल देंगे। और इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून मैंने चिली पाउडर डाल दिया है। और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर के डाल दूंगी। सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर और गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट्स के लिए, पकने के लिए रख देंगे। और अब हम इसे चेक कर लेते हैं 15 मिनट्स के बाद। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे मेथी जो कि हमने कट करके रखी थी। और अब हम इसे 10 मिनट्स के लिए खुला पकाएंगे। और 10 मिनट्स हम इसको ऐसे ही पका लेंगे। और फिर हम इसे 10 मिनट्स के बाद कवर कर देते हैं। और अब हम इसको मज़ीद 15 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट्स के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसका सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से कुक करेंगे। ऑयल मैंने डाल दिया इसमें।
और अब मैं इसमें ग्रीन चिल्ली जो कि कट करके रखी थी वो डाल दूंगी। ग्रीन चिल्ली इसमें मैंने डाल दी है, अब हम इसे कुक करेंगे ताकि इसका सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। और इसका सारा पानी ड्राई होने के बाद हम इसको कर देंगे कवर 5 मिनट के लिए। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। और अब हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। हमारा मेथी कीमा बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।